हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.1 फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। ठीक है। 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। इसमें हमारे दो पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट में हमें कहा है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, और बी पार्ट में हमें कहा है कि व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे फिर बी पार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए 7.1 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला है, इसमें ना हमें एक रेजिस्टर है जिसकी जो वैल्यू है ना वो हमें गिवन है। ठीक है, कितनी है उसकी वैल्यू, 100 ओम, और जिसको कनेक्ट किया गया है एक एसी सप्लाई से। किससे? एसी सप्लाई से उसको कनेक्ट किया गया है जिसका हमें पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी इज गिवन, जो है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और अब हमको ए और बी वाला क्वेश्चन है जो दोनों वो कैलकुलेट करना है। तो ए वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या कैलकुलेट करना है कि करंट के अंदर जो आरएमएस की वैल्यू है वो उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, और बी वाले पार्ट में क्या फाइंड करना है हमें कि जो फुल साइकिल में कितनी पावर कंज्यूम होती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो एसी सप्लाई के लिए एक रेजिस्टर को कैसे डिनोट करते हैं हम, वो ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन थी, आर की कितनी थी, 100 ओम। ठीक है, और क्या गिवन था हमें, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, 50 हर्ट्ज। आरएमएस मतलब क्या, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, एसी सप्लाई में जो हमारा आरएमएस करंट होगा वो नॉर्मल करंट होगा। ठीक है, कैसा करंट होगा, नॉर्मल, वो ही हमारा इफेक्टिव करंट भी होगा। तो गिवन पोर्शन लिख लेंगे, तो गिवन पोर्शन क्या है, आर इज इक्वल टू 100 ओम, वी इज इक्वल टू 220 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब ए वाला पार्ट देख लेंगे। तो ए वाले पार्ट में हमें करंट के अंदर जो आरएमएस की वैल्यू है ऑफ करंट है उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, सर्किट के अंदर जो आरएमएस की वैल्यू है ऑफ करंट उसे हमें फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है हमें इसमें, आई आर एम एस। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। एसी सप्लाई है तो यहाँ पे जो करंट है हमारा आई आर एम एस, तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज होगा वो भी कैसा होगा, वी आर एम एस अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो जो वोल्टेज हमें गिवन है ना वो एसी सप्लाई का है, वो हो जाएगा वी आर एम एस। तो आई इक्वल्स टू आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर। वी आर एम एस की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 220, आर भी हमें गिवन है 100 ओम। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.2 एम्पियर। तो आई आर एम एस कितना आएगा हमारा, 2.2 एम्पियर। ये हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। तो ए पार्ट सॉल्व हो गया, तो अब हम बी पार्ट की तरफ चलते। तो बी पार्ट में हमें क्या बोला है, व्हाट इज द पावर, नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर। बी पार्ट सॉल्व करेंगे, तो बी पार्ट में हमें क्या पूछा है, बी पार्ट में हमसे कहा है कि जो फुल साइकिल में कितना पावर कंज्यूम होती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो बी पार्ट में हमें ये बताना है, तो नेट पावर कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू वी आई। यहाँ पे फुल सप्लाई की बात की है और सप्लाई है हमारी आरएमएस, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, तो वी आर एम एस हमें गिवन है कितना, 220 वोल्ट, और आई आर एम एस हमने ए पार्ट में सॉल्व किया 2.2 एम्पियर। ठीक है, वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, 484, और जो पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वॉट। ठीक है, तो ये हमने ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। ए पार्ट में हमारा जो करंट आया आई आर एम एस सर्किट का वो कितना आया, 2.2 एम्पियर, और बी में हमने पावर कैलकुलेट की, नेट पावर कंज्यूम्ड कितनी हुई, तो वो हमारी आई 484, और पावर की ऐसा यूनिट वॉट।